हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बहुत मज़े आने वाला है क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और इसी टाइम बारिश हो रही है। तो अगर आपने वीडियो को पूरा देखा तो आपको बारिश का आनंद घर बैठे ही मिलेगा। तो वीडियो में मैं शेयर करूँगी ऐसे 15 एवरग्रीन और इंडोर प्लांट्स जिनकी बिल्कुल भी देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। और एक बार अगर इस प्लांट को आपने अपने गार्डन में अगर ऐड किया तो आपकी 7 पीढ़ियाँ इसी प्लांट को देख सकती है क्योंकि इतना हार्डी ये प्लांट होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए बेल आइकन के साथ। तो सबसे पहला जो प्लांट है ये है क्रिसमस ट्री। मेरे पास 3-4 इसके प्लांट है, सबसे बड़ा प्लांट यही है। क्रिसमस ट्री एक ऐसा प्लांट है, इसे ना धूप की ना पानी की और फर्टिलाइजर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। इसे इनडोर आउटडोर आप दोनों साइड रख सकते हैं। हर टाइम ये एवरग्रीन बना रहता है, कभी भी इनकी पत्तियों की रौनक ख़राब नहीं होती है और ना ये प्लांट कभी भी ख़राब होता है। क्रिसमस ट्री उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जो गार्डनिंग का शौक तो रखते हैं लेकिन टाइम उनके पास बिल्कुल भी नहीं होता है। कई कई दिनों तक बाहर रहते हैं, पानी नहीं दे सकते। तो आप इस प्लांट को अपने घर के अंदर या बाहर किसी भी कॉर्नर में इसे लगा सकते हैं क्योंकि इंडोर आउटडोर दोनों ऑप्शन है इस प्लांट के साथ। आगे जो खूबसूरत सा प्लांट है इसे ड्रेसिना कहते हैं। ड्रेसिना की बहुत सारी वैरायटी आती है और सारी वैरायटी बहुत ही हार्डी होती है और उसमें से ये ड्रेसिना गुड लक प्लांट है। इनकी जो लीव्स होती है वो रेड शेड में होती है। इसे धूप में और आप छाई में दोनों साइड में रख सकते हैं। ड्रेसिना प्लांट ऐसा होता है फ्रेंड्स, ये खूबसूरती के साथ साथ लॉन्ग टाइम तक चलने वाला ये प्लांट होता है और कटिंग से इस प्लांट को ग्रो करना बहुत ही ईजी होता है। इसे आप घर के किसी कॉर्नर में भी लगा सकते हैं। अगर इसे धूप मिलती है तो इनका जो कलर होता है रेड हो जाता है और अगर धूप थोड़ी सी कम इसे मिल रही है तो ऐसे ग्रीन कलर की इनकी लीव्स होती है और काफ़ी सुंदर लगता है। तो इसे इंडोर आउटडोर आप दोनों साइड किसी भी साइड रख सकते हैं। ये भी कई दिनों तक अगर इसमें आप पानी नहीं दे रहे और कई महीनों तक अगर फर्टिलाइज़र भी नहीं कर रहे तो भी ये प्लांट खुश रहता है, बिल्कुल भी केयर नहीं मांगता है हमसे। बस ये गार्डन में ऐसे ही रहता है और एवर ग्रीन रहता है, कभी भी ये प्लांट ख़राब नहीं होता है। और नेक्स्ट जो आगे प्लांट है फ्रेंड्स, इसे कहते हैं सफलेरा या अम्लेरा ट्री। दो वैरायटी में ये मिलता है, एक वेरीगेटेड और एक होती है ग्रीन कलर की। इनकी जो लीव्स है वो आगे मैं दिखाऊंगी। ये कलर काफ़ी सुंदर लगता है, ऑर्नामेंटल प्लांट में ये आता है। और अभी मैंने इसकी परचेज़ की थी, आपके साथ वीडियो भी मैंने शेयर किया था। बहुत ही छोटा सा एक प्लांट लेके आई थी और अभी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा हो गया है। इस प्लांट के लिए जो आप पॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स, आप 10 से 15 इंच का पॉट ले सकते हैं। वैसे इसे मैंने ये 16 इंच के पॉट में लगाया है क्योंकि काफ़ी जल्दी से ये प्लांट ग्रो हो जाता है। आप देख सकते हैं मैं छोटा सा प्लांट लेके आई थी और ये 1.5 महीने हो रहे होंगे उसी में इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है। सफलेरा इंडोर में चलने वाला बहुत अच्छा प्लांट है और ये देखिए मेरी ग्रीन लीव्स वाली, इसे मैंने कटिंग के थ्रू ग्रो किया है और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। काफ़ी पसंद है मुझे ये प्लांट इसलिए क्योंकि इनकी जो लीव्स का डिज़ाइन होती है वो अम्ब्रेला शेप में होता है, इसीलिए इसे अम्ब्रेला ट्री भी कहते हैं। कई महीनों तक इसमें अगर आप फर्टिलाइज़र नहीं देंगे तो भी ये प्लांट बहुत ज़्यादा खुश रहता है और घर के किसी भी कॉर्नर में आप इस प्लांट को रख सकते हैं। और पानी देखिए फ्रेंड्स कितना ज़्यादा भर रहा है यहाँ क्योंकि बारिश बहुत ही तेज से हो रही है। और नेक्स्ट जो खूबसूरत से एक ऑर्नामेंटल प्लांट है फ्रेंड्स, इसे ड्रेफन वेकिया कहते हैं। काफ़ी सुंदर इंडोर में चलने वाला ये प्लांट है और बहुत लोग इसका आर्टिफिशियल प्लांट अपने घर के अंदर ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में और बेडरूम में भी लगाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आपको इसका ओरिजिनल प्लांट अपने घर के अंदर लगाना चाहिए क्योंकि इंडोर में चलने वाला बहुत ही अच्छा प्लांट है, इसे धूप की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी अगर इसे सनलाइट आप देंगे वो भी मॉर्निंग की तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा खुश रहता है। वीडियो में मैं जितने भी प्लांट आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, उनको अगर आप इंडोर में रखते हैं तो हफ्ते में एक दिन मॉर्निंग के टाइम में उसे आप सनलाइट दे सकते हैं, वो भी आधा घंटे की, उससे ज़्यादा नहीं, वो भी मॉर्निंग की सनलाइट, आफ्टरनून की बिल्कुल भी नहीं। आगे जो ये प्लांट हैं ये फाइकस, काफ़ी सुंदर इनकी वैरायटी होती है, काफ़ी सारे इनकी वैरायटी है और जो लीव्स की साइज होती है, डिज़ाइन होती है वो डिफरेंट मिलती है हमें। और कई कई सालों तक ये ग्रीनरी अपनी ऐसी ही बनाए रखती है, कभी भी इस प्लांट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है।
बिना पानी के भी और बिना खाद के कई कई महीनों तक ये प्लांट ऐसा ही रहता है। और इसे मैंने अभी कटिंग के थ्रू ही एक बोनसाई लुक देने की कोशिश की है और काफ़ी अच्छा ये मेरा प्लांट चल रहा है। इसे कटिंग के थ्रू ग्रो करना बहुत ही इजी होता है फ्रेंड, और इसे धूप की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। आप इसे आउटडोर भी रख सकते हैं, ये मल्टीपर्पज़ है, इनडोर आउटडोर दोनों साइड चलने वाला ये प्लांट है। और इसमें कभी कभी अगर आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद अगर थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा खुश होता है। जितने भी इंडोर प्लांट्स होते हैं फ्रेंड, उनको फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और पानी भी आप हफ्ते में एक बार दे सकते हैं, वो भी सीजन के अकॉर्डिंग, कि विंटर है या गर्मी है, गर्मी में 2 दिन बाद दे सकते हैं और विंटर में 15 दिन बाद 10 दिन बाद अगर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये जो प्लांट हैं इसे पशियन शीट कहते हैं, काफ़ी सुंदर और मेरा फेवरेट प्लांट है फ्रेंड्स, क्योंकि इनकी लीव्स की खूबसूरती आप खुद देख सकते हैं कितनी शाइनिंग है इनमें और काफ़ी सुंदर लगता है मुझे। कटिंग के थ्रू इस बार मैंने इस प्लांट को कम से कम 6-7 प्लांट मैंने तैयार किया है और छोटे से बड़े पॉट में मैंने इसे ग्रो किया है। पशियन शीट को बिल्कुल भी धूप की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप इस प्लांट को धूप में रखेंगे तो इनकी जो खूबसूरत से लीव्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसे शेड एरिया पसंद है, इंडोर में आप रख सकते हैं, लेकिन हफ्ते में एक दिन मॉर्निंग की वो भी आधा घंटे की धूप आप दे सकते हैं। उसी टाइम इस प्लांट शावर करके और अच्छी तरह पानी देके फिर उसी प्लेस में आप इसे रख सकते हैं। इस प्लांट को शावर होना बहुत पसंद है क्योंकि इसके ऊपर अगर डस्ट जम जाती है तो इनकी जो रौनक है वो ख़राब लगता है। और इतनी बारिश हो रही है कि देखिए मेरे बहुत सारे पॉट आधा आधा इंच तक डूब गया है और अभी भी बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। देख सकते हैं आप वेदर यहाँ का कैसा है। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड्स, बारिश में वीडियो भी शूट कर रही हूँ और मुझे भी काफ़ी मज़ा आ रहा है और प्लांट भी सारे इंजॉय कर रहे हैं, पूरे बारिश की पानी में धुल भी रहे हैं। और ये है गोल्डन साइफर। गोल्डन साइफर इनडोर में चलने वाला बहुत अच्छा प्लांट है, अगर आप इसे ग्राउंड में लगाते हैं तो काफ़ी तेज़ी से ये प्लांट बड़ा हो जाता है और एक पूरा ट्री का लुक ले लेता है। और गमले में अगर हम लगाते हैं तो ये धीरे धीरे ग्रोथ होती है इनकी। ये प्लांट इंडोर और आउटडोर के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और इनकी ज़्यादा देखभाल करने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। और प्लांट के अकॉर्डिंग आप इनके लिए पॉट चॉइस कर सकते हैं। जैसे मैं इसे जब लेके आई थी तो 5 इंच के पॉट में ये लगा था और उसके बाद मैंने इसे 2 बार रिपॉट किया है। तो कोई भी प्लांट की साइज जब बड़ी होती है और रिपॉट करना होता है तो आप ये मानसून का वेट ज़रूर कीजिए। मानसून में किसी भी प्लांट की रिपॉटिंग करने का बहुत ही अच्छा टाइम होता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसे कहते हैं ड्रेसिना मर्जेंटा। काफ़ी सुंदर इनके कलर्स होते हैं, ये भी ड्रेसिना फैमिली से बिलोंग करता है और इनके कलर मुझे काफ़ी सुंदर लगते हैं। कटिंग के थ्रू भी इस प्लांट को बहुत अच्छी तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं और इंडोर के लिए बहुत ही अच्छा एक प्लांट है। कम केयर में छोटे पॉट में चलने वाला ये बहुत अच्छा प्लांट है। और देखिए ये मैंने 5 इंच का ही प्लास्टिक का बोतल है उसी में मैंने इसे ग्रो कर रखा है और बिल्कुल भी मैं फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ इसमें। कभी कोई ज़्यादा फर्टिलाइज़र बच जाता है तो 2 महीने बाद 3 महीने बाद कभी भी एक बार अप्लाई करती हूँ। तो और एक बात शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, जितने भी इंडोर प्लांट्स होते हैं उनको फर्टिलाइज़र बहुत कम पसंद है, लेकिन आप 3 महीने बाद 4 महीने बाद कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र का आप यूज़ कर सकते हैं। आगे जो इंडोर में बहुत ही अच्छे तरीके से चलने वाला और ग्रीनरी हर टाइम देने वाला ये प्लांट है वेस्टर्न फर्न। काफ़ी तेज़ी से ये प्लांट फैलता है। जिन्होंने मेरी शॉपिंग वाली वीडियो देखी है उनको पता होगा, ये मैं 1 महीने पहले ही परचेस करके लाई थी है। और देखिए इसी प्लांट से 1 महीने कटिंग भी ग्रो कर लिया है और ये प्लांट देखिए कितना तेज़ी से फैल भी गया है। इस प्लांट की बिल्कुल भी मैं केयर नहीं करती हूँ, बस ओनली नॉर्मल गार्डन सॉइल में इसे लाके मैंने लगा दिया और कितनी अच्छी तरीके से ये प्लांट चल रहा है। और आगे ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, इसे कहते हैं अगवे। काफ़ी तेज़ी से ये बढ़ने वाला प्लांट होता है और इंडोर आउटडोर हम दोनों साइड इस प्लांट को रख सकते हैं। और इस टाइम इनके बेबी प्लांट भी ग्रो होते हैं, उनको भी हम लगा के ढेरों सारे फ्री में प्लांट तैयार कर सकते हैं। और इसके मेरे पास 2-3 प्लांट हैं और सारे मैंने बेबी प्लांट से ही ग्रो किया है। ये मेरे टेरेस गार्डन में ये वाला प्लांट है, नीचे जो इसका दूसरा प्लांट है वो काफ़ी बड़ा साइज ले चुका है। इस प्लांट को कभी भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है और बिना पानी के ये कई कई महीनों तक ऐसे ही रहते हैं।
आपने देखा होगा हिल स्टेशन या पहाड़ों में ये प्लांट ज़्यादातर देखने को मिलता है और इंडोर में भी बहुत अच्छा चलता है। आगे ये प्लांट सिंगोनिया इंडोर में चलने वाला बहुत ही अच्छा प्लांट है। किचन में इसे रखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि ये एयर प्यूरीफाई का बहुत ही अच्छा काम करता है। कई कई महीनों तक ये बिना धूप के बहुत अच्छी तरीके से ये सर्वाइव करता है और इनके पिंक कलर, लेमन कलर और बहुत सारे शेड में इनके कलर हमें मिल जाते हैं। और एक बार अगर आप इस प्लांट को घर में ऐड करते तो इस मानसून में इनकी कटिंग से ढेरों सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और एक बात शेयर करती हूँ कि इस बार मैंने कटिंग वाली बहुत सारी वीडियो शेयर कर रखा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक सेंड कर दूंगी, तो आप देख सकते हैं। इस टाइम भी आप इनकी कटिंग कर सकते हैं कहीं से भी ये प्लांट मिले। और इस प्लांट को तो आपके घर के अंदर ज़रूर लगाना चाहिए, बाहर इनडोर आउटडोर दोनों साइड चलने वाला बहुत ही अच्छा ये प्लांट है। बिल्कुल भी केयर नहीं मांगता है ये प्लांट, बहुत ही कम केयर में चलता है। आगे जो ये प्लांट है फ्रेंड्स, ये मनी प्लांट है। मेरे पास बहुत बड़ा एक प्लांट है, वो मेरे फ्रंट गार्डन में, टेरेस गार्डन में। इस बार मैंने कटिंग के थ्रू इस प्लांट को ग्रो किया है और काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हो गई है। कटिंग वाली वीडियो में मैंने इसका रिजल्ट आपके साथ शेयर किया था और काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको दिख रही होगी। देखिए, छोटे छोटे से मैंने इनके 4 इंच का ही मैंने इसमें इनकी ब्रांचेस लगाए थे और काफ़ी अभी आप देख सकते हैं 7-8 इंच की इनकी लंबाई पहुंच रही है। और इंडोर में चलने वाला बहुत अच्छा प्लांट है, कभी भी धूप की इसकी ज़रूरत नहीं होती है। आप इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और घर के अंदर लगाना इसे शुभ भी माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा शुभ प्लांट होता है ये। और किचन में अगर आप रखते हैं तो ये एयर प्यूरीफाई का बहुत अच्छा काम करता है। इसे बाथरूम में भी लगाया जाता है, घर में किसी भी कॉर्नर में आप इसे सजावट के लिए लगा सकते हैं। काफ़ी सुंदर दिखने में ये प्लांट होता है और बिल्कुल भी केयर नहीं लेता है ये प्लांट, ऐसा होता है। आगे जो प्लांट है इसे चाइना पाम बोलते हैं। इनकी जो लीव्स का साइज होता है वो 2 वैरायटी की होती है, एक इनकी ड्रॉप वैरायटी है जो मेरे पास ये है और एक इनकी टॉल वैरायटी होती है, जो इनकी लीव्स की साइज भी काफ़ी बड़ी होती है और प्लांट भी काफ़ी हाइट तक पहुँचती है। चाइना पाम को आप इंडोर आउटडोर दोनों साइड आप रख सकते हैं, लेकिन इस प्लांट के ऊपर कभी भी डस्ट ना हो क्योंकि इनकी शाइनिंग ख़राब हो जाती है और प्लांट की फिर ग्रोथ भी रुक जाती है। बिना फर्टिलाइज़र के हर साल बढ़ने वाला ये प्लांट होता है और ये प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होते हैं, इनकी शिकायत कभी भी नहीं होती है। और जितने भी इंडोर प्लांट्स मैंने आपको दिखाया है सारे नर्सरी में आपको 100+ के रेंज में ही मिल जाता है आराम से। और ये आगे जो इंडोर का जो प्लांट है फ्रेंड्स, इसे शेड लविंग प्लांट कहते हैं, इसे संचेजिया। कटिंग से बहुत तेज़ी से ये प्लांट ग्रो हो जाता है और हर साल आप इसे आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। धूप इसे जल्दी पसंद नहीं होती है, बहुत ही कम धूप इसे पसंद होता है। और ये नीचे जो है फ्रेंड्स, इसे एल्मोनियम प्लांट या वाटर मिलन पीनिया कहते हैं, फ्रेंडशिप प्लांट भी कहते हैं। काफ़ी सुंदर इनके लीव्स होती है और कटिंग के थ्रू भी ये प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो होता है और इसे धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। ये भी शेड लविंग प्लांट है, इंडोर में चलने वाला बहुत ही अच्छा प्लांट है। और इसे प्लांट थोड़ा सा वाटर लविंग प्लांट है, मतलब इनकी जो सॉइल है ज़्यादा ड्राई मत होने दीजिएगा, नहीं तो इनकी पत्तियाँ पीली पड़ जाती है और फिर ये प्लांट सूखना शुरू कर देता है। वीडियो में जो ये 10 प्लांट मैंने आपके साथ शेयर किया है, बिना फर्टिलाइज़र, बिना पानी के और बिना सनलाइट के कई महीनों तक चलने वाला ये प्लांट होते हैं, तो इसे अपने घर में ज़रूर ऐड कीजिए और ग्रीनरी के लिए बहुत ही अच्छे ये प्लांट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आप लोगों ने बारिश का एंजॉय ज़रूर किया होगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल में पहली बार है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंडों में शेयर ज़रूर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर फ्रेंड्स।